दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। अच्छा। उन्होंने तरक्की की हुई है ना, अब हमें भी तरक्की की जरूरत है, अपने आप को स्टडी करेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी नमक हमारा पूरी दुनिया में जाता है, चावल हमारे। सर ये बातें पुरानी हो गई हैं। दूसरे नंबर पे है कि इंडिया वाले हमारा जो नमक है, हमारे चावल है, वो नाम अपना लगा के। एग्जैक्टली, अब ये देखिए, अब पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था, और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी ओदे हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते उससे हमने मीठे हो गए, उससे प्यार बिजनेस भी करना, और उसको कहना कि हम आपके भाई हैं। बरेस 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था। बाकी इंडिया आपसे आगे है, वहाँ पे एक तो शराह खानगी ज़्यादा है, आपके शराह खानगी भी कम है, उनका निज़ाम तलीम भी आगे है, उनके इंजीनियर भी ज़्यादा हैं, उनके डॉक्टर भी ज़्यादा हैं, तो लामी बात है फिर वो उनका जो है निज़ाम तलीम अच्छा है हमसे। हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बरे सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है, हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। सही बात है। हम अगर उधर नफरत का बीज बोके जाएंगे ना, तो वो ही काटेंगे। या से जंग चाहिए या ट्रेड चाहिए? करनी चाहिए। जंग क्यों करनी चाहिए? जंग उनके साथ इसलिए करनी चाहिए कि वो हमारे दुश्मन है। आप ये देखें, आज भी ये सोच मौजूद है, और ये बहुत से लोगों में, आप क्या कहना चाहेंगे? जय दोस्तों, खबर ऐसी आ रही है कि आज अफगानिस्तान भी भाई पाकिस्तान का मजाक उड़ाने लग गया है, और पाकिस्तान ने खुद कबूल किया भाई ये हमारे बुरे कर्मों की सजा है। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। ऐसी सिचुएशन में मेरा पहला सवाल तो ये है, इंडिया से जंग करनी चाहिए या फिर ट्रेड बिजनेस कारोबार करना चाहिए? असल में बात बता क्या है, ये जो जंग वाला मामला या इसमें जंग जब होती है ना, ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए नुकसानदेह होती है। आवाम पिसती है ना, तो हुक्मरानों को कोई फर्क पड़ता है इसमें। जब भी आप वो जैसे संडों की लड़ाई में आवाम का नुकसान होता है, या वो जो उसको संभाल रहे होते हैं उनका नुकसान, संडों को फर्क नहीं पड़ता, जो उनकी ताकत है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, जंग ना तो किसी मुल्क के लिए अच्छी है, ना मईशत के लिए अच्छी है। बोला कि पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर अच्छे होने चाहिए, ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया के साथ, लेकिन आपने बोला इंडिया का नाम ले लो ताकि आपकी ट्रेंडिंग में आ जाए। मुझे एक मिनट बताएं। अच्छा, अगर इंडिया का नाम लेने से हमारा कोई ट्रेंडिंग में आ जाती है चीज, तो ये सोचे इंडिया से बिजनेस करने से वो बिजनेस भी हमारा कामयाब। भाई मैंने आपका 95% कल्चर, जो आपकी आमदो रफ्त है वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान हो रही है, चाहे कैसे भी माहौल है। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी ओदे हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते उससे हमने मीठे हो गए, उससे प्यार बिजनेस भी करना, और उसको कहना कि हम आपके भाई हैं। बरे 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बरे सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। ऐसे बॉर्डर बनने के बाद ऐसा माहौल हो गया कि शायद पता नहीं हम सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। पता क्या है, हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हम अगर उधर नफरत का बीज बोके जाएंगे ना, तो वो ही काटेंगे। अगर हम आज मोहब्बत का पैगाम उधर यार वो करी जाए, हम अगर मोहब्बत का पैगाम करेंगे ना, कल कहीं ना कहीं उनको अकल आ ही जाएगी। नहीं, अकल की बात करें, उन्होंने तो ऑफर की थी, उनके सारा सारा हो जाएगा। अब इंशाल्लाह आप 2023 के बाद जो आने वाला साल है, आपके पाकिस्तान में, आपकी मईशत में, हर जगह तरक्की का साल है, क्योंकि ये वाह जो साल आ रहा है ना, हम लोग 2024 का इंशाल्लाह आप देखोगे कि अल्लाह के फजल से कामयाबी का साल। इन्होंने ये जो बात किया कि भाई जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, और ये चीज हमारे सामने आ रही है, जो हमने 1947 से लेके अब तक जो भी पब्लिक को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया, वो दुश्मन है, वो दोस्त है, वो मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, वो चीजें आज हमारे सामने आ रही है। इंडिया को एक मिनट के लिए छोड़ेंगे, मुझे बताएं, इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर है हमारे? आपने बोला नहीं, सर अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, अंदरूनी तौर अच्छे हैं। आए दिन बॉर्डर पे, वो भाई जो बॉर्डर पे जो हो रहा है ना, वो एक चीज हो रही है ना, वो बिल्कुल कुछ शरपसंद अनासर है, जो हमारे दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहते। नहीं तो आप मुल्ला उमर से ले रहे, थोड़ा सा इधर हो जाए, आप मुल्ला उमर से ले रहे किसी भी मतलब किसी भी चीज को, किसी भी उसके लीडर को ले रहे, वो पाकिस्तान के हक में अच्छा ही कहता है। मुल्ला उमर के तालिबान ने अभी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला जो पाकिस्तान की सिस्टम कंडीशन है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक खुद है। अरे मैंने पहले भी कहा है कि हम खुद हैं, आपको मैंने कहा है कि जो पिछलों ने बोया वो हम काट रहे हैं, जो ये बोएंगे तो उन्होंने हमें सिखा दिया, जो वो कर लिया। अब मैं कहता हूँ आने वाले दौर, मुशर्रफ गया था दुनिया उसको बुरा कहती थी, जब वो चला गया लोग उसको अच्छा कहने लग गए। उसके बाद अभी जो मियां नवाज शरीफ गया, लोग कहते थे ये जी काला दम हो गया, ये साधुल अमीन नहीं रहा। आज वो साधुल अमीन भी हो गया, उन्हीं अदालतों ने उसे क्लियर कर दिया। ये चीज जब क्लियर, हक को हक नहीं ना कहेंगे जब हम बेहतरी कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार के हालात जो पैदा कर दिए गए हमारे लिए वही हैं, मतलब अच्छा बेहतर नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि सर पाकिस्तान जिस बुरी हालत में है, इकॉनमी को देख लें, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हर बंदा बिजली के बिलों से परेशान है, बहुत से ऐसे मसले हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? फिर मैं उसके बाद आपको खबर बताता हूँ। इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं, ठीक है, और जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, सबका हुक्मरान भी, सब मिलजुल के यही हालात में चल रहे हैं। चले ये बात मानते हैं, या हम या हमारे हुक्मरान, बाहर से तो कोई जिम्मेदार नहीं, अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान, ये तो कोई, देखिए मेरी बात सुने, अमेरिका के पास हम किस लिए जाते हैं? उससे मदद मांगते हैं, क्यों मांगते हैं?
जाते हैं हमें वो नहीं आता, वो कोई भी नहीं आता। और दूसरी बात यह कि इंडिया जो है उसने अपनी पॉलिटिकल को खुद मजबूत किया है, उसने अपनी इकोनॉमी को खुद मजबूत किया है, हमारे से बहुत उनका पैसे की वैल्यूएशन हमसे बहुत अच्छी है। हमारा एक रुपया होता था और उनके जो थे चार रुपए बनते थे, हमारा एक रुपया उनके चार रुपए बनते थे। नहीं ये कब का टाइम था, मेरे ख्याल से टाइम पहले की बात ये है भाई। अब जो है वो हमारा एक रुपया 64 के करीब, वो हमारे उनके जन के चार रुपए है तो हमारा उनका एक रुपया और हमारे जो था वो चार रुपया। अच्छा अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद है। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं, आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैं इससे एग्री नहीं करता, इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज है ना कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ हमारी मौशियत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है हर लिहाज। कह रहे थे अमेरिका जो वो अमेरिका के पास हमने जाते हैं वो नहीं हमारे पास आता, और इंडिया जो है ना वो हमारी इकोनॉमी को खराब करने के लिए हर चीज़ें हर मामला में मामला करता है। आपको पता है इंडिया की इकॉनमी इस टाइम नहीं, मैं आपको बताता हूँ मैं कहता हूँ वो क्यों इस टाइम, मैं आपसे सवाल करूँ वो क्यों इन्वॉल्वमेंट, उसने अपनी इकॉनमी को मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्जाम लगाता है। अच्छा अगर किसी हमारी इकॉनमी को वो बर्बाद कर रहा है, आपने बोला हम अपनी इकॉनमी को वो मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्जाम लगाता है, तो हम अपनी इकॉनमी को मजबूत करने के लिए उन पे इल्जाम लगा दें? अगर सिर्फ इल्जाम लगाने से इकॉनमी बेहतर होती, इकॉनमी इस तरह नहीं मजबूत होती, वो इल्जाम जो लगा रहे हैं ना वो इल्जाम और तरीके के हैं जिस वजह से हमारी इकॉनमी जो है ना हमारी पॉलिटिकल जो है ना वो उनके साथ चलती है। तो देखिए आप लोगों ने वीडियो देखी तो अच्छे पाकिस्तानी हैं भाई, वो बात को कबूलते हैं कि जो हमारी आज सिचुएशन है ना, और भाई सारा का सारा जो सिर मत देते हैं पाकिस्तानी वो अपने हुक्मरानों के मर देते हैं। यानी कि भाई इन लोगों को देखिए मैं बिल्कुल सही बात बताऊंगा, आप लोग बताए कि उससे सहमत है यानी ना सहमत है। देखिए वर्ल्ड में जब भी कुछ होता है यानी कि किसी मुसलमान देश में या फिर इस्लामिक देश में कुछ भी करता है तो पाकिस्तानी सड़कों पे आ जाते हैं, आप लोगों ने देखी होगी स्वीडन में कुरान जलाई गई थी पाकिस्तानी आए, तो पाकिस्तान का जो विपक्ष है वो क्यों कर रहा है ये बात सोचने की है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज तक कुछ नहीं किया, तो भाई विपक्ष ने भी उंगलियां नहीं उठाई। भारत के अंदर देखिए गवर्नमेंट सरकारें कुछ करने से पहले 100 बार सोचती हैं कि भाई ये निर्णय लिया गया है, भाई ये सबसे पहले तो विपक्ष ही भाई उठ के आ जाता है क्योंकि उनको विपक्ष को मौका चाहिए और विपक्ष इस चीज का बहुत फायदा उठाता है, तो भारत के अंदर तो भाई ये सोच समझ के किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर विपक्षी हैं उनको पता है भाई 2-4 साल ये खाएगा, उसके 2-4 साल बाद तुम खाना, तो बारी तुम्हारी भी आएगी। देखिए भाई विपक्ष जो भी बने थे इमरान खान और जो इनका एक कुरैसी है कल भी भाई घसीटा गया कुत्ते की तरह खींच के उसको दोबारा फिर से जेल में डाल दिया गया, यानी कि पॉलिटिशियन थी जो उसको भाई गला रेत दिया गया है, वहां पर नियम कानूनों का गला रेता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वो बात बताते हैं भाई हम कश्मीर लेंगे, भाई कश्मीरों का बेकूफ है उनका दिमाग खराब हो रखा है। तो देखिए एक छोटी कंट्री अफगानिस्तान जो कि इतने क्राइसिस झेलकर भाई तालिबान जो कि तालिबान भाई वहां खुद खाने के लिए उनके पास नहीं है कुछ भी, तो वो तालिबानी सरकार आज पाकिस्तान को बता रहे कि भाई तुम्हारी ये जो सिचुएशन है वो तो बात है भाई जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता, तो पाकिस्तान आज जो आतंकवाद और ये ऐसे झेल रहा है, पाकिस्तान ने जो गड्ढा खोदा था अफगानिस्तान को बर्बाद करने का और तालिबान को लेकर आया, अमेरिका के जो एरोप्लेन हर रोज वहां पर रुकवाए हैं पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तानियों ने जो अफगानिस्तान को तबाह और तबाह करने का सोचा था आज भाई वो फल फूल रहा है, आज इन्हीं को डंडा डाल रहा है टीटीपी के रूप में। आप लोग क्या रहे, जय जवाहर जय श्री राम।